अमेरिकी राज्य इलिनॉइस में धूल के भवंडर ने तबाही मचा कर रख दी है। भवंडर के कारण इंटरस्टेट हाईवे पर कई गाड़ियां आपस में जा टकराई, जिसमें 20 कमर्शियल व्हीकल तथा 60 से ज्यादा कारें शामिल थी। इस हादसे में 6 लोगों की मौत होने का समाचार भी प्राप्त हुआ है। इलिनॉइस पुलिस के मुताबिक 30 से ज्यादा घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों में 2 साल के बच्चों से लेकर 80 साल तक के बुजुर्ग शामिल है। मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। भवंडर के वक्त हवाएं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। भवंडर के कारण दर्जनों गाड़ियां एक दूसरे से जा टकराई और कई गाड़ियां तो एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ गई और देखते ही देखते चंद मिनटों में चीख पुकार मचने लगी। लोग चिल्लाने लगे, अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। सेंट लुइस मौसम विभाग के मुताबिक ये धूल भरी आंधी हाल ही में जोते गए खेतों की मिट्टी और उत्तर पश्चिमी तेज हवाओं के मिलने से बनी है, जिसकी रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई है। यही वजह रही कि विजिबिलिटी कम हो गई और गाड़ियां आपस में भिड़ गई। में 6 लोगों की मौके पर मौत हो चुकी है, जबकि घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसे की जानकारी देते हुए टोरंटो के 25 साल के इवान एडसन ने कहा कि वो शिकागो से अपने घर सेंट लुइस जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी धूल और भवंडर के बीच में फंस गई। इवान ने कहा कि धूल के बीच कुछ नजर नहीं आ रहा था, कुछ लोग गाड़ी की स्पीड धीमी कर रहे थे, लेकिन कौन सी कार कहां जा रही है इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, जिसके कारण देखते ही देखते दर्जनों गाड़ियां एक दूसरे से जा टकराई। वहीं वेदर सर्विस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जिन लोगों को सांस से जुड़ी बीमारी है वो घर से किसी भी कीमत से बाहर ना निकले। इस दौरान ट्रैवल करना भी मुश्किल हो सकता है और आपकी जान जा सकती है। वहीं अमेरिका के साउथ फ्लोरिडा में भी भवंडर आने का समाचार प्राप्त हुआ है। यहां एक रिहायशी इलाके में भवंडर के कारण इलेक्ट्रिसिटी और गैस सप्लाई बंद हो चुकी है। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई कारें यहां भी एक दूसरे से जा टकराई। इलाके में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। भवंडर के चंद मिनट बाद ही करीब 100 घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें YouTube पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।